अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोगों के 12th क्लास के कहकशा बुक का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ठीक है। और इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्निफ़ है सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है। इस चैप्टर के लिखने वाले कौन है, सैयद सुलेमान नदवी। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये एक मज़मून है, ठीक है, ऐसे जिसको हिंदी में बोला जाता है निबंध। तो ये क्या है, एक मज़मून है। और एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये किस टॉपिक पर ये मज़मून लिखा गया है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक पर। यानी कि जो बाज़ पुराने लफ्ज़ है जिसको हम बहुत पुराने समय से बोलते चले आ रहे हैं, वो लफ्ज़ जिसको हम बहुत पुराने बहुत समय से बोलते चले आ रहे हैं, उन बाज़ पुराने लफ्ज़ों का इस चैप्टर में क्या किया गया है, तहकीक की गई है, रिसर्च किया गया है। और रिसर्च करने वाले कौन है, सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी बाज़ पुराने लफ्ज़ है उसको क्या किया गया है, रिसर्च किया गया है, खोज की गई है कि और किस किस ज़ुबान में वो लफ्ज़ बोली जाती है और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में समझ लेते हैं, सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है और इसीलिए ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जानिए। इनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को दसना में, जो अब मौजूदा नालंदा ज़िला में वाकई है, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी का जन्म 22 नवंबर 1884 ईस्वी को हुआ है दसना नाम के जगह पर, जो कि अब नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, नालंदा ज़िला में है, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या है, उनके पिताजी का, तो वो है हकीम सैयद अबुल हसन, ठीक है, ये याद रखना है। जो सैयद सुलेमान नदवी हैं, ये मदरसा इमदादिया दरभंगा से तालीम हासिल किए, कौन सा मदरसा से, मदरसा इमदादिया दरभंगा से तालीम हासिल की। फिर 1901 में वह नदवतुल उलमा पहुँचे, नदवतुल उलमा में जाकर वहाँ से तालीम लेना स्टार्ट किए, और वहीं के एक टीचर उनको उस्ताद मिल गए, शिबली नमानी, ठीक है। तो ये शिबली नमानी जो है वो सैयद सुलेमान नदवी के क्या है, टीचर है, उस्ताद है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़िए, 1902 ईस्वी में पहला मज़मून खातूनों की तालीम पर, फिर दूसरा मज़मून आखिर वक्त शाई हुआ, ठीक है। यहाँ पर 1902 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी का पहला मज़मून, पहला ऐसे शाई हुआ यानी कि प्रकाशित हुआ, क्या नाम था उसका, खातूनों की तालीम, ये पहला उनका ऐसे है, पहला मज़मून था जो कि 1902 में शाई हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो दूसरा मज़मून आया वो था आखिर वक्त, ठीक है, जो कि इनका दूसरा मज़मून था। 1903 से इशार, नज़में और गज़लें शाई होने लगे। देखिए 1902 में तो उन्होंने मज़मून लिखना स्टार्ट कर दिया था, खातूनों की तालीम आखिर वक्त, ठीक है, और 1903 से इनका जो शेर व शायरी, नज़में, गज़लें, ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, प्रकाशित होने लगी, ठीक है। अब देखिए, शिबली नमानी की हयात व खिदमात पर एक किताब हयात शिबली लिखी है इन्होंने, जो सैयद सुलेमान नदवी जो है, इनके जो टीचर थे उस्ताद शिबली नमानी, ये अपने टीचर की हयात व खिदमात पर एक इन्होंने किताब भी लिख दिया, और उस किताब का क्या नाम था, हयात शिबली, ठीक है। और सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताबें भी दे दिया गया है आप लोगों के बुक में, क्या है, अरब व हिंद की ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा और रहमत आलम, ठीक है, ये सब क्या है, मशहूर किताबें हैं सैयद सुलेमान नदवी की, ठीक है। और सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल यानी कि उनका मौत हो गया था 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, लीजिए। अब चलिए जरा इस चैप्टर को समझ लेते हैं। इस चैप्टर में सैयद सुलेमान नदवी ने जो भी बात बताई है, जो कुछ भी लिखा है, उन सभी पॉइंट को और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिखती हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर में आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो देखते हैं सैयद सुलेमान नदवी इस चैप्टर में क्या क्या बताए हैं। तो सबसे पहले तो वो बताए हैं कि सैयद सुलेमान नदवी यानी कि वो खुद दो जुबानें जानते हैं, वो सबसे इसमें इस चैप्टर में वो बताए हैं कि मैं दो भाषा जानता हूँ, ठीक है, कौन कौन सी, एक पूरब की और एक पश्चिम की, ठीक है। पूरब यानी कि अरबी, पूरब की ज़ुबान से क्या इस्तेला है कि वो अरबी ज़ुबान जानते हैं, और पश्चिम यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान, ठीक है। तो वो दो ज़ुबानें जानते हैं, अरबी और अंग्रेज़ी, ठीक है, इंग्लिश। अब उन्होंने आगे बात की है कि ये पूछा है कि खानों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी खाना होता है वो कौन सा खाना होता है, सुबह का नाश्ता कि 12 बजे का खाना यानी कि लंच, या फिर रात का डिनर। तो
वो अपने हिसाब से बताए हैं कि खानों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना होता है वो नाश्ता होता है, क्योंकि रात भर हम भूखे रहते हैं और सुबह में उठकर हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही, ठीक है। तो वो ये बात बताए हैं कि खानों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो नाश्ता होता है, ठीक है। और नाश्ता का मतलब उन्होंने बताया है भूख तोड़ने की इस्तेलाह, यानी कि नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तेलाह कहते हैं, क्योंकि रात भर हम भूखा रहते हैं और सुबह में उठकर नाश्ता करते हैं, तो एक तरह से हम अपने भूख को तोड़ते हैं। तो वही बात बताया गया है इस चैप्टर में कि जो नाश्ता है वो भूख तोड़ने की इस्तेलाह है, नाश्ता को भूख तोड़ना भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं, ठीक है। नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं, जिसका मानी होता है तोड़ना, ये याद रखिएगा। और इसी से अफ्तार निकला है। ये जो फतूर नाम का लफ्ज़ है ना, जो कि अरबी ज़ुबान का है, अरबी भाषा का है, इस फतूर का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और इसी फतूर लफ्ज़ से ये एक लफ्ज़ निकला है अफ्तार। और अफ्तार आप लोग जानते होंगे, रमज़ान के महीने में आप लोग अफ्तारी करते होंगे, शाम को जब ई किया जाता है, अपने भूख को तोड़ा जाता है, जब रोज़ा रहा जाता है, रोज़ा रहने के बाद जब अपने शाम को मगरिब के समय रोज़ा खोला जाता है, यानी कि भूख को तोड़ा जाता है, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है? अफ्तार, कि हम अफ्तार करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फतूर से क्या बना है? अफ्तार बना है, जो कि फतूर क्या है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। अब एक है फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ नहार, जो नहार लफ्ज़ से बना है, यानी कि जो फारसी ज़ुबान का, फारसी भाषा का एक लफ्ज़ है नहार, जो नहार से मिलकर बना है, नहार से बना है ये लफ्ज़। और ना का मतलब होता है, नहार जो है ना, इसमें जो ना होता है, ना का मतलब होता है नहीं, और हार का मतलब होता है गज़ा, यानी कि भोजन, खाना, ठीक है। तो नहार का मतलब क्या हो गया? नहीं खाया हुआ। ना मतलब नहीं और गज़ा मतलब भोजन यानी कि खाना, यानी कि नहीं खाया हुआ। तो नहार का मतलब हमें समझ में आ गया कि नहीं खाया हुआ। और आप लोग सुने भी होंगे, बोला जाता है इसको नहार मुंह खाना है, यानी कि बिना खाए खाना है। जैसे कि ये दवा है, इसको नहार मुंह खाना है, यानी कि इसको बिना खाए खाना है, जब आप नहीं खाए हैं तब इसको खाना है, ठीक है। तो ये हो गया, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं लिखी हूँ, और इसके अलावा और बुक में दिया भी नहीं है, ठीक है। और अरबी में एक है कुल्लिया, ठीक है, जिसको अरबी में एक लफ्ज़ है कुल्लिया, जिसका मतलब क्या होता है? भुने हुए गोश्त, ठीक है। भुने हुए गोश्त को अरबी में बोलते हैं कुल्लिया, ठीक है। लेकिन हमारी ज़ुबान में, हमारी भाषा में कलिया होता है, ठीक है। क्या होता है? कलिया। कलिया शोरबादार गोश्त को कहते हैं, ठीक है। अरबी में कुल्लिया जो है वो भुने हुए गोश्त को कहते हैं, और ये हमारी ज़ुबान में कलिया जो होता है वो शोरबादार गोश्त को कहते हैं। और एक होता है कोरमा, जो कि तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। और हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ और है सुर्खी। क्या नाम है? सुर्खी, जिसका मानी होता है उनवान, यानी कि टाइटल। टाइटल को ही बोला जाता है सुर्खी। जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल क्या है? बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ठीक है। ये टाइटल है, उनवान है, तो ये इसको आप सुर्खी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुर्खी मतलब पहले के ज़माने में होता था कि वो लोग कलम से लिखा करते थे, पहले के ज़माने में तो प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं, तो कलम से लिखा करते थे, और इसीलिए वो सुर्ख कलर से, श्याह कलर से, जो होता है क्या बोला जाता है, रेड कलर से वो लिख दिया करते थे टाइटल। जैसे कि कोई किताब लिखा जा रहा है और रेड कलर से टाइटल लिख दिया करते थे, सुर्ख कलर से, इसलिए उसको सुर्खी कहा जाने लगा। तो अब तो प्रिंटिंग का ज़माना आ गया है, अब इसी को टाइटल बोला जाता है, उतना सुर्खी नहीं बोला जाता है, क्योंकि अब ये रेड कलर से थोड़ा ना लिखा जा रहा है, ये डायरेक्ट प्रिंट हो जा रहा है, कलम से नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, एक होता है अहदी और एक होता है अहदी, याद रखिएगा प्रोनंसिएशन का डिफरेंस है, कि ये है अहदी और ये है अहदी, ठीक है। अहदी का मतलब होता है सुस्त और काहिल, ठीक है। किसी को बोला जाता है ना कि तुम बहुत सुस्त हो, ये तो बहुत काहिल है, ठीक है, तो वो हो गया अहदी। लेकिन अहदी का मतलब होता है एक, अहदी, अहदी का मतलब होता है एक, वाहिद, कोई भी एक समान है उसको क्या बोलेंगे? अहदी बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, कुली, कुली का मानी सफ़ेदी करना या फिर सफाई करना। कुली का मानी क्या होता है? सफ़ेदी और सफाई, जैसे कि बर्तनों की कुली किया जाता है, बर्तनों की सफाई की जाती है, मकान पर क्या किया जाता है? कुली फेरा जाता है, ठीक है, उसको साफ़ किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कुली फेरना और एक होता है कुली खोलना। कुली फेरना का मतलब होता है ऐब छुपाना,
जैसे कि घर है हम लोगों का, उस पर बहुत ज़्यादा गंदा लग गया है, ठीक है, दाग लग गया, दाग धब्बे हो गए हैं, तो उस पर कुली फेरा जाता है, उसको छुपाया जाता है, ऐब को क्या किया जाता है, छुपाया जाता है, ठीक है, पेंट कर कर या फिर साफ़ सफाई कर कर। और कुली खोलना का मतलब होता है ऐब को जाहिर करना, जैसे कि किसी के अंदर कोई क्या है, किसी से कोई गलती हो गई है या फिर वो अपने राज को छुपाना चाहता है, तो उसको क्या किया जाता है, कुली खोला जाता है, यानी कि उसके उसकी जो गलती है उसको दिखाया जाता है सबको, ठीक है, गलती क्या है ये जाहिर कर देना, ठीक है। तो कुली खोलना हो गया, जैसे कि अब तो तुम्हारी कुली खुल जाएगी, यानी कि अब जो तुम काम किए हो वो सबको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कुली खोलना और कुली फेरना का मतलब। कुली फेरना मतलब ऐब छुपाना, गलती को छुपाना, और कुली खोलना यानी कि गलती को जाहिर कर देना, दिखा देना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक का टोटल निचोड़, ये निचोड़ है आप लोगों का पूरा चैप्टर का, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के ज़रा क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन आंसर। देखिए मैं एक ही बार में निकल आया। हाँ, तो स्टार्ट होता है आप बताएं से, यानी कि आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो सबसे पहला सवाल है, भूख तोड़ने की इस्तेलाह क्या है? तो भूख तोड़ने की इस्तेलाह को क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं, ठीक है। भूख तोड़ने की इस्तेलाह क्या है? नाश्ता है, क्योंकि सुबह में उठकर हम रात भर भूखे रहते हैं तो भूख तोड़ते ही हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़ुबानों के माहिर है, ठीक है। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है वो दो ज़ुबानें जानते हैं, दो ज़ुबानों में माहिर है, एक पूरब और एक पश्चिम, यानी कि अरबी और अंग्रेज़ी, ठीक है। और तीसरा सवाल है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, ठीक है। चौथा सवाल है, फतूर के मानी बताइए। फतूर का मानी होता है तोड़ना, ठीक है, तोड़ने के। और पांच नंबर सवाल है, लफ्ज़ निहार किन दो ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है? जो लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ निहार, ये किन दो ज़ुबानों में यूज़ होता है निहार लफ्ज़ का? तो एक फारसी ज़ुबान में तो होता ही है निहार का, क्योंकि ये फारसी ज़ुबान का ही लफ्ज़ है, और एक हमारे हिंदुस्तानी ज़ुबान में होता है, ठीक है, कि निहार मुँह खा लो, ये दवा जो है इसको निहार मुँह खाना है, बिना कुछ खाए खाना है, ठीक है। छः नंबर सवाल है, कुली किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है? जो कुली जो है ना, वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये जो कुली है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका मानी जो होता है वो रंगा भी होता है। इसका भले ही मानी सफ़ेदी और सफाई का होता है, लेकिन इसका मतलब परफेक्ट इसका बोला जाए मीनिंग, तो वो होता है रंगा, ठीक है। तो सात नंबर सवाल है, सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी का मतलब होता है उनवान, टाइटल, ठीक है। आठ नंबर सवाल है, अहदी और अहदी के फ़र्क को वाजी करें, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, अहदी का मतलब होता है सुस्त और काहिल, और अहदी का मतलब होता है एक, ठीक है, अकेला। अब देखिए नौ नंबर सवाल है, कुली खोलना और कुली फेरना के मानी में क्या फ़र्क है? तो बता दीजिएगा, कुली फेरना यानी कि ऐब छुपाना, कुली खोलना यानी कि ऐब जाहिर करना। दस नंबर सवाल है, कुली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? ठीक है, तो कुली को अरबी में क्या कहते हैं, ये आप लोगों के बुक में भी नहीं दिया है, ठीक है, शायद मैं अपने हिसाब से बता दे रही हूँ, फौरत कहते हैं, ठीक है, कुली को अरबी में। और हाँ, फारसी में बताया है आप लोगों के बुक में कि कुली को फारसी में रंगा कहते हैं, ठीक है, लेकिन अरबी में नहीं बताया कि कुली को क्या कहते हैं, शायद फौरत कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्यारह नंबर सवाल है, पूरब और पश्चिम की ज़ुबानों से कौन सी ज़ुबानें मुसन्निफ़ मुराद लेता है? पूरब और पश्चिम की ज़ुबान से जो मुसन्निफ़ है वो क्या मुराद, मतलब क्या पता चलता है कि वो पूरब और पश्चिम की ज़ुबान को जानते हैं? तो पूरब से मुराद अरबी ज़ुबान और पश्चिम से मुराद अंग्रेज़ी ज़ुबान, ठीक है, यानी कि पूरब का मतलब वो क्या बता रहे हैं, अरबी ज़ुबान वो जानते हैं, और पश्चिम से वो अंग्रेज़ी ज़ुबान जानते हैं, इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। अब स्टार्ट होता है मुख्तसर गुफ्तगू, यानी कि इसमें अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला सवाल है, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? इसके मुताबिक सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात वाजी कीजिए, ठीक है। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, ये आप लोगों को अपने हिसाब से बताना है। उसके बाद जो सैयद सुलेमान नदवी बताए हैं वो भी बताना है। सैयद सुलेमान नदवी तो ये बताए हैं कि पेट के लिए सबसे ज़्यादा खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है, ठीक है। तो ये सैयद सुलेमान नदवी के हिसाब से हो गया, आप लोग अपने हिसाब से क्या सोचते हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और उसके साथ साथ सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बताना है। दूसरा सवाल है, कलिया से क्या मुराद है? इसे अरबी और हिंदुस्तानी ज़ुबानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? कलिया में बताई थी ना, कलिया जो है वो अरबी लफ्ज़, अरबी ज़ुबान में इसका मतलब क्या होता है कलिया का, इसको अरबी ज़ुबान में कुल्लिया पढ़ते हैं, और अपनी ज़ुबान में हिंदुस्तानी ज़ुबान में इसको कलिया पढ़ते हैं, याद रखिएगा, अरबी ज़ुबान में कुल्लिया और इसको कलिया। तो अरबी ज़ुबान में जो कलिया का मतलब होता है वो क्या होता है, भुने हुए गोश्त को, और
जो हम लोग हमारी जुबान में होता है वो शुरबेदार गोश्त को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा सवाल है, नए और पुराने नुक्ते निगाह से लफ्ज़ सुर्खी के मानी का जायज़ा लीजिए। ये जो लफ्ज़ सुर्खी है इसका मानी क्या होता है, इसका आप लोगों को जायज़ा लेना है। बहुत ही सिंपल सिंपल है, अगर मैं नहीं भी बताऊँगी ना आप लोगों का आंसर तो आप लोग खुद भी लिख सकेंगे। देखिए चार नंबर तो बहुत आसान है, ये पूछ रहा है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक, ये जो चैप्टर है ये सैयद सुलेमान नदवी के किस किताब से माखूज है, तो बताइए, ये भी सिंपल है। पाँच नंबर सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद ग्रामी का नाम बताइए। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद यानी कि उनके टीचर का क्या नाम था, शिबली नमानी। ठीक है, तो ये हो गया। छः नंबर सवाल है, हमारी ज़ुबान में शुरबदार गोश्त को क्या कहते हैं, तो शुरबदार गोश्त को कलिया कहते हैं। ठीक है, सात नंबर, सैयद सुलेमान नदवी के जाय पैदाइश दसना बिहार के किस ज़िले में हुई। ठीक है, बिहार के किस ज़िले में हुई सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश, तो मैं आप लोगों को शुरू में ही, अभी तो बोर्ड मिटा दी हूँ, शुरू में ही बताई थी, तो आप लोग पीछे कर देख लीजिएगा कि कौन से ज़िले में मैं बताई थी। ठीक है, और आठ नंबर सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था। ठीक है, तो वो नदवतुल उलमाए और इमदादिया मदरसा इमदादिया बताई थी ना, वो आप लोग पीछे कर बहुत आसान है, लिख सकते हैं। ठीक है, तफसीली सवाल, तफसीली गुफ्तगू यानी कि तफसील से लिखने वाला बात आता है। सबसे पहला सवाल है, हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है, हमारे खानों में नाश्ता जो होता है उसकी क्या अहमियत है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग चैप्टर को समझ गए ना तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। दूसरा सवाल, लफ्ज़ निहार मुँह फारसी और हिंदुस्तानी ज़ुबान में कैसे एक दूसरे से मुताल्लुक है, वजाहत कीजिए। लफ्ज़ जो निहार मुँह है वो फारसी और हिंदुस्तानी ज़ुबान में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किधर गया निहार मुँह, ये कैसे, ये फारसी ज़ुबान में भी यूज़ होता है और हम लोगों की हिंदुस्तानी ज़ुबान में भी यूज़ होता है, तो इसका ताल्लुक बताना है, संबंध बताना है, रिलेशन। ठीक है, तीसरा सवाल है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की रोशनी में लफ्ज़ कुलई का जायज़ा लीजिए। ये जो लफ्ज़ कुलई है इसका जायज़ा लेना है, इसका मतलब बताना है और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसका यूज़ बताना है, तो आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं। चार नंबर और लास्ट सवाल है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के फ़वाद अपनी ज़ुबान में लिखिए। देखिए बाज़ पुराने लफ्ज़ों की जो नई तहकीक ये चैप्टर है, इसको पढ़कर आप लोगों को क्या फ़ायदा महसूस हुआ, क्या फ़ायदा हुआ इसे पढ़कर, ये आप लोगों को बताना है अपनी ज़ुबान में। ठीक है, ये जो कुछ भी इसमें क्वेश्चन पूछा है ना, ये सब कुछ आप लोगों को खुद से लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।